दीदी आपने हमें चित्र बनाने को कहा था, हम बना कर लाए। आप सब लोग बना के लाए चित्र? हाँ। शाबाश। चलिए हम एक एक करके चित्र आप लोग के सबको दिखाते हैं, आप लोग कैसे कैसे चित्र बना के लाए। आप लोग तो बहुत सुंदर चित्र बना के लाए, शाबाश। अब आप लोग को इन चित्रों को देख करके पहचानना है कि आप लोग किस किस चीज का चित्र बना करके लाए हैं, ठीक है? तब हम देखते हैं आप लोगों ने जो चित्र बनाया है उसके बारे में आप लोग को कितनी जानकारी है, ठीक है? सब बच्चों को ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब बताइए किसका चित्र, आप बताइए। मेरा। नहीं, आपने बनाया है चित्र, बहुत सुंदर बनाया। क्या बनाया आपने इसमें? मोर। मोर, शाबाश। आपने ये बनाया, क्या बनाया? हाथी। हाथी बनाया। ये किसका चित्र है, कौन बताएगा? हाथ नीचे कर लीजिए, आराम से बताइए। हाँ बताइए। ये मेरा चित्र तोता। तोता बनाया है, अच्छा। और ये क्या बना हुआ है, हाथ नीचे करके बताए, हाथ नहीं उठाते। हाँ, ये बंदर। बंदर बनाया है। कितने सुंदर चित्र आप लोग बना करके लाए हैं। चलिए आज हम आप लोग को ये बताएंगे कि इनको संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, ठीक है? हिंदी में किसका चित्र है? मोर, ठीक है। हमने लिखा इसमें मोर। मोर को पता है आपको संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में कहते हैं मयूरह। क्या कहते हैं? मयूरह। मयूरह, देखिए हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। क्या कहते हैं? मयूरह, ठीक है। और ये किसका चित्र आपने बताया था? हाथी। हाथी का, ठीक है। अब हम दूसरे पे हाथी का आपको नीचे लिख के दिखाते हैं। ये हाथी का चित्र है, तो हाथी के नीचे हम लिखेंगे सबसे पहले हाथी। और हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं पता है? गज। क्या कहते हैं? गज। गज माने होता है हाथी। गज माने होता है हाथी, ठीक है। हमने बताया ये मोर का चित्र है, आपने बताया उसको कहते हैं मयूरह। शाबाश, बहुत अच्छा आप लोग बोल रहे हैं। ये हाथी का चित्र है, इसको बोलते हैं गजह। गजह। हम लोगों ने तीसरा चित्र कौन सा लिया था, देखिए किसका है? बंदर का चित्र है। इसी के नीचे हम लिख देते हैं बंदर को पता है क्या कहते हैं संस्कृत भाषा में? नहीं पता है? हम बताते हैं वानरह। वानरह। वानरा माने होता है बंदर, ठीक है। अच्छा, और चौथा चित्र आप लोग बना के लाए थे किसका था? तोता। तोते का, शाबाश। लिखते हैं यहाँ पर, अब हम लिखेंगे तोता। तोता को संस्कृत भाषा में कहते हैं शुकः। क्या कहते हैं? शुकः। शुकः। अब आपने चारों के बारे में संस्कृत में देखा, अब एक बार हम बोलते हैं, आप हमारे साथ साथ शुद्ध उच्चारण करिएगा, ठीक है? देखिए मोर का चित्र आपने बनाया था, मोर को कहते हैं संस्कृत भाषा में मयूरः। शाबाश। दूसरा चित्र बंदर का था, बंदर को क्या कहते हैं? वानरः। आप बोलिए राहुल अलग से, अभी आप लोग राहुल सही उच्चारण करिए। हाँ बोलिए। वानरः। नहीं, वानरः बोलिए। वानरः। हाँ वानरः, ठीक है। तो हाथी को क्या कहते हैं? गज। गज नहीं, गज। गज। क्या कहते हैं? गज। शाबाश। और चौथा चित्र मेरा था तोते। तोते को क्या कहते हैं? शुकः। शुकः। क्या कहते हैं? शुकः। शुकः। अब आप लोग को ये सब समझ में आ गया कि चारों पशु पक्षियों को हम लोग संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आप लोग को कुछ पूछना है इसमें से हमसे? हाँ दीदी, पूछिए। दीदी बाकी सब तो समझ में आ गया, हाँ? पर ये बिंदिया किस लिए लगाई गई? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा। आप लोग को पता है संस्कृत में हम लोग ये दो बिंदिया क्यों लगाते हैं? नहीं दीदी, नहीं पता है। अच्छा, आज हम आप लोग को बताते हैं, संस्कृत भाषा में जो दो बिंदिया लगी है इसको बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग। विसर्ग नहीं बेटा, बोले विसर्ग। विसर्ग। विसर्ग बोलते हैं, हैं? विसर्ग जो शब्द होते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द जो होते हैं ना संस्कृत भाषा में, उनमें ये विसर्ग जरूर लगता है, ठीक है? ठीक है। अकारांत पुल्लिंग जो शब्द होते हैं, ये चारों अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। आपको अकारांत के मतलब पता है?
नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम अक्का रांत के बारे में पहले आपको बताते हैं, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में अ का उच्चारण हो उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं, ठीक है। ठीक। जिन शब्दों के अंत में अ का उच्चारण होता है उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। और अकारांत शब्द जो होते हैं उसमें ये विसर्ग जरूर लगता है, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, जैसे अकारांत शब्द हुए, जैसे बालक, बालक, बालक में मुंह से मेरे अ निकल रहा है ना, है। बालक में मुंह से क्या निकला मेरे? आ निकला। तो आ बालक का क्या हो जाएगा? बालक कह संस्कृत में। ऐसे हम आप लोग को बताते हैं, जैसे हमने लिखा अकारांत पुल्लिंग शब्द है बालक, हैं। जब हम इसको संस्कृत में लिखेंगे तो क्या लग जाएगा इसमें? बालक का विसर्ग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? विसर्ग लग जाएगा। और ये शब्द होगा अकारांत पुल्लिंग शब्द। शाबाश। बालक का हो जाएगा बालक। आप लोग कोई शब्द बताएंगे हमको? रामा। राम, रामा ने राम, पहले राम क्या शब्द है? राम। राम, शाबाश, आपने अच्छा बोला। अब राम को अगर हमको संस्कृत में लिखना होगा तो हम अकारांत पुल्लिंग शब्द कैसे बनाएंगे? रामा। रामा, शाबाश, रामा हो गया। तो ये हमने क्या लगाया है? बिंदियों को मैंने क्या बताया? अकारांत पुल्लिंग शब्द। और ये विसर्ग लगते हैं उसमें, ठीक है। विसर्ग। आप कोई शब्द बताइएगा, कोई शब्द सोच के बताइए। कोई शब्द आ रहा समझ में? हाँ, आम। आम नहीं, जैसे बताइए। सीता। सीता नहीं, से छात्र, छात्र। सर्प, जैसे देखिए ये सर्प है, सर्प है ना। इसको जब हम संस्कृत में लिखेंगे तो सर्प नहीं लिखते हैं, क्या लिखेंगे? सर्प। शाबाश, सर्प, क्योंकि मुझे क्या लगाना उसमें? विसर्ग। सर्प, इसमें हमने क्या लगा दिया? विसर्ग। विसर्ग। जैसे हमने लिखा यहाँ पर, क्या लिखा मैंने, पढ़ के बताइए आप कामाक्षी, कौन सा शब्द हमने लिखा? कर्ण। कर्ण हो जाएगा, शाबाश। ये मैंने लिखा कर्ण, अकारांत पुल्लिंग शब्द होगा कर्ण, शाबाश। कर्ण अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया। तो आप लोग को ये समझ में आया? नीचे के भी देखिए, ऊपर के शब्द आप देखिए एक बार पढ़िए मेरे साथ, और नीचे के भी चारों शब्द, ये सब कौन से शब्द हुए? अकारांत पुल्लिंग शब्द। शाबाश। अब देखिए, बालक का? बालक। शाबाश। राम का? रामा। सर्प का? सर्प। शाबाश। कर्ण का? कर्ण। मोर का? मयूर। 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 बंदर का? वानर। हाथी का? गज। तोता का? शुकः। शुकः। समझ में आया सबको? अच्छा, अब हम कुछ शब्द आपको दिखाते हैं और आप हमको उसमें से बताएंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से हैं, छांट के बताएंगे, जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है। अच्छा, इतना अब आपको कुछ इसमें पूछना है, किसी को कोई चीज ना समझ में आई तो कुछ बताइए, कुछ पूछना है। और सबको समझ में आ गए ये शब्द? ठीक है, अब हम आप लोगों से ये शब्द हम लगा रहे हैं और आप हमको बताइएगा इसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन कौन से, तब मुझे पता चल जाएगा कि आपको सब कुछ सही सही जितना मैंने बताया है सब कुछ आपको सही सही याद हो गया है, ठीक है। अब ये कुछ शब्द हैं, मैं पहले पढ़ रही हूँ, आप लोग मत बोलिएगा, पहले मैं शब्द पढ़ के आपको उच्चारण इसका सिखा रही हूँ, ठीक है। ये लिखा है कर्ण, आप लोग बोलिए साथ में, कर्ण। ललाट। ललाट। मुनि। मुनि। नदी। नदी। उल्लू कह। उल्लू कह। जिसमें विसर्ग लगा है हम अहब का उच्चारण कर रहे हैं ना, आप लोग ये बात ध्यान दीजिएगा। रमा। रमा। सीता। सीता। मृग। 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 वृक्ष। वृक्ष। अच्छा, अब आप बताइए इसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द करना है कि नहीं है? है। है? क्यों है कर्ण? क्यों है आप बताइए? क्योंकि इसमें क्या लगा है? विसर्ग। विसर्ग लगा है, शाबाश।
अब आप कामाक्षी बताइए बाकी शब्दों में कौन से अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं? ललाट। ललाट बोलते हैं, विसर्ग लगाए ना, सही उच्चारण करिए, बोलिए ललाट। हाँ आप बताइए राहुल, और जो मुनि से लेके यहाँ तक में और कोई है शब्द? उल्लूका। शाबाश। आप बताइए जो शब्द बच्चे उसमें कौन सा अकारांत पुल्लिंग शब्द है? वृक्ष। वृक्ष, ठीक बताए इन्होंने। ठीक है, आप बताइए। मंग। मृग। मृग। आप लोगों ने जो जो शब्द बताए उन उन शब्दों में विसर्ग लगा हुआ था, उन्हीं को तो आपने बताया, तो आप लोगों को समझ में आ गया अकारांत पुल्लिंग शब्द। हाँ।